हेलो क्लास 11th, आज के सेशन में स्टार्ट कर रहा हूँ। एक नया टॉपिक है आज, वो टॉपिक क्या है? सेल्फ थ्योरी और सेल्फ डॉक्ट्रिन और सेल्फ प्रिंसिपल। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं प्रीवियस लेक्चर का एक रिव्यू दूंगा। प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा था नॉन लिविंग और लिविंग में डिफरेंस, यूनियन सेलर और मल्टी सेलर में डिफरेंस। देन आफ्टर आपने एक हेडिंग पढ़ा था कि व्हाट आर द यूज ऑफ टूल्स इन बायोलॉजिकल स्टडी, मतलब कि डिफरेंट टाइप के जो टूल्स हैं उनका बायोलॉजिकल स्टडी में क्या यूज है। इसके साथ साथ आपने पढ़ा था हिस्टोरिकल अकाउंट्स, ठीक है, और हिस्टोरिकल अकाउंट्स के बाद कुछ माइनर पॉइंट्स आपने पढ़े। इसमें जो लिविंग और नॉन लिविंग है उसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, यूनिसेलर मल्टी सेलर में भी कोई डाउट नहीं है। बट माइक्रोस्कोप में आप जब आते हैं तो माइक्रोस्कोप में सबसे बड़ा इशू यह है कि माइक्रोस्कोप में जो इन्वेंशन का ऑर्डर है वो आपको याद नहीं रहता है। इन्वेंशन का ऑर्डर मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था और आज फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आपको हमेशा याद रहे वो, ठीक है। तो इन्वेंशन ऑर्डर में जो है सबसे पहले इन्वेंट हुआ था सिंपल माइक्रोस्कोप, देन आफ्टर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, देन आफ्टर प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप एंड प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप प्रपोज बाय रॉबर्ट हुक, देन आफ्टर आपका लीवनहॉक माइक्रोस्कोप। दिस लीवनहॉक माइक्रोस्कोप प्रपोज बाय आर डेवलप बाय आर इन्वेंट बाय एंटोनी फिलिप्स वॉन लीवनहॉक, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है। इसके बाद आपको जो मिलेगा माइक्रोस्कोप में वो मिलेगा ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, देन आफ्टर मिलेगा आपको फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप और लास्ट में आपको क्या मिलने वाला है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स के फर्दर टू टाइप्स है, टेम और सेम, ये आपको मैंने बताया था, ठीक है। एक जो पॉइंट है वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में वो ड्रॉप कर दिया था, आज मैं उसको बता रहा हूँ। वो पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किसने किया था? तो वो नॉलन रुस्का है। तो ये आपको अपने नोट्स में एड करना होगा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वॉज डेवलप बाई नॉलन रुस्का, ठीक है। ये माइक्रोस्कोप का जो इन्वेंशन ऑर्डर है मैं यहीं पे इसको रोक रहा हूँ और इसके बाद से आपको एक बार रिकॉल करा रहा हूँ कि हिस्टोरिकल अकाउंट्स में आपने क्या पढ़ा था। हिस्टोरिकल अकाउंट्स में आपने रॉबर्ट हुक के पूरे डिस्कवरी के बारे में पढ़ा था कि रॉबर्ट हुक ने कैसे माइक्रोस्कोप बनाया और सेल की, डेड सेल्स की स्टडी कैसे की। देन आफ्टर आपने एंटोनी वॉन लीवनहॉक की जो डिस्कवरी है वो पढ़ा था आपने, वो स्टडी किया था। उसमें मैंने बताया था कि एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने जो है लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की, ठीक है। ये सारी बातें बताई थी और फिर बताया था कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। देन आफ्टर प्रोटोप्लाज्म जो है फर्स्ट टाइम किसने प्रपोज किया था? प्रोटोप्लाज्म टर्म जो है वो पुर्केजे ने किया था। ये सारी बातें मैंने बताया था और ये आप जूनियर सेक्शन में भी आपने पढ़ा होगा इसको, ठीक है। तो इस पूरे रिव्यू को मैं यही स्टॉप कर रहा हूँ और आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। आज का टॉपिक क्या है? आपका सेल्फ थ्योरी है और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बताऊं मैं कि ये जो सेल्फ थ्योरी है, ओल्ड सेल्फ थ्योरी स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, ओल्ड सेल्फ थ्योरी प्रपोज बाई द मैथस, शेल्डन एंड थियोडोर शॉन। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ओल्ड सेल्फ थ्योरी प्रपोज बाई मैथस शेल्डन एंड थियोडोर शॉन। मैथस शेल्डन ने 1838 में ओल्ड सेल थ्योरी के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए थे। देन आफ्टर 1839 में जो है थोड़ा और जो है डिटेल किया था सेल के बारे में। किसने किया था? थियोडोर शॉन ने किया था, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं बात कर लूं कि ये जो मैथस शेल्डन थे ये एक्चुअली कहां से बिलोंग करते थे? ये जर्मन थे, ये जर्मनी से बिलोंग करते थे। और थियोडोर शॉन जो थे वो ब्रिटेन से बिलोंग करते थे। और जो शेल्डन थे वो एक बॉटनिस्ट थे, शॉन एक क्या थे? जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। बट शेल्डन बॉटनिस्ट और शॉन जूलॉजिस्ट, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ बॉटनी में डिस्कवरी किया या जूलॉजी में किया शॉन ने, ऐसा नहीं है। ये आपको बहुत सारे इनसे रिलेटेड आपको पॉइंट्स मिलेंगे जिसमें आपको पूरे बायोलॉजी की डिस्कवरी का रिलेशन इनसे मिलेगा आपको, ठीक है। फिलहाल अभी ओल्ड सेल थ्योरी में हम सबसे पहले शेल्डन के बारे में बात करें। शेल्डन ने ओल्ड सेल थ्योरी के बारे में क्या बोला था, क्या बताया था, क्या कंक्लूजन निकाला था?
एक्चुअली शेल्डन ने एक प्लांट बॉडी को लिया, ठीक है, और उस प्लांट बॉडी के यूनिट सर्च किया कि प्लांट बॉडी का यूनिट क्या है, उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है। तो शेल्डन को पता चला कि प्लांट बॉडी का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, एक सेल है। क्या है? एक सेल है। फिर शेल्डन ने बहुत सारे प्लांट्स को लिया और उनके जो है प्लांट्स के यूनिट्स को देखा, कंपेयर किया और फाइनली ये बताया कि ऑल प्लांट्स मेड अप बाय आर कंपोज बाय अ सेल दैट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी प्लांट बॉडी। वो क्या था? जो प्लांट बॉडी था उसका जो यूनिट था वो क्या था? सेल था, ठीक है। और आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि सेल क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसी भी लिविंग बॉडी का। तो यही चीज जो है शेल्डन ने प्लांट के लिए बनने बताया कि प्लांट की जितने भी एग्जांपल्स आपको मिलेंगे वो सारे एग्जांपल्स प्लांट में आपको जब स्टडी करेंगे तो आपको मिलेगा कि सारे के सारे प्लांट्स जो है वो सेल से बने हुए हैं और उसको बोलेंगे प्लांट सेल्स। मतलब कि सीधा सा है कि शेल्डन ने वनली प्लांट सेल्स के बारे में बताया, वनली डिस्क्राइब प्लांट सेल्स, ठीक है, फुल स्टॉप करना होगा। बट जब थियोडोर श्वान की बात आएगी तो थियोडोर श्वान ने जो है वो प्लांट पे भी वर्क किया, एनिमल पे भी वर्क किया, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी श्वान ने अपने पूरे थ्योरी में तीन पॉइंट्स दिए थे, जिसमें से फर्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि कोई भी एनिमल सेल है वो एनिमल सेल का जो बाउंड्री होगा वो थिन लेयर होगा। वो क्या होगा? एक थिन आउटर लेयर होगा। आप एनिमल सेल का अगर बाउंड्री देखेंगे तो बाउंड्री क्या है? एक थिन आउटर लेयर है। और आज के डेट में नाउअडेज दिस थिन आउटर लेयर नोन एज ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। नाउ दिस थिन आउटर लेयर नोन एज ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट था। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी की हर एक लाइन पे वर्क करना है, अदरवाइज क्या होगा, नीट आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। और इसीलिए मैंने हर एक पॉइंट्स को अलग अलग करके आपके व्हाइट बोर्ड के सामने मैंने रिप्रेजेंट किया है। ये बहुत ध्यान देने वाली चीजें हैं, अगर आपने ध्यान दिया तो आप नीट क्वालिफाई कर लेंगे और आपके जो है एकेडमिक्स में भी मार्क्स बहुत अच्छे होंगे। सेकेंड जो पॉइंट था वो क्या था? सेकेंड पॉइंट इज ए कंक्लूजन, इज ए कंक्लूजन। और कंक्लूजन क्या था कि जब प्लांट सेल्स की स्टडी किया श्वान ने, जब प्लांट सेल्स की स्टडी किया तो प्लांट सेल्स का जो बाउंड्री था वो एक्चुअली क्या था? वो सेल वॉल था। वो आपको पता है कि सेल वॉल फाउंड इन प्लांट सेल्स, फंगल सेल्स, एल्गल सेल्स एंड बैक्टीरियल सेल्स, ठीक है। तो ये जो सेल वॉल है ये कुछ सेल्स में है, मैंने एग्जांपल आपको बता दिया, प्लांट सेल्स में है, फंगल सेल्स में है, बैक्टीरिया में है, एल्गी में है। और श्वान ने प्लांट सेल्स को वनली स्टडी किया और प्लांट सेल्स में सेल वॉल के प्रेजेंस को बताया और बताया कि सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल्स का एक यूनिक कैरेक्टर है, प्लांट सेल्स का एक यूनिक कैरेक्टर है, ठीक है। ये पॉइंट्स आप दिमाग में रखिएगा। देन थियोडोर श्वान ने फिर एक हाइपोथेसिस दिया, एक हाइपोथेसिस वाला भी पॉइंट है, और वो पॉइंट क्या है कि एनिमल एंड प्लांट्स आर कंपोज ऑफ अ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। इसका मतलब है कि आप प्लांट बॉडी देखो या एनिमल बॉडी देखो, उसमें आपको क्या मिलेगा? बहुत सारे सेल्स मिलेंगे या आपको सेल्स के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे आपको? सेल्स के प्रोडक्ट मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट तो कभी नहीं सुना हमने, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि प्रोडक्ट टर्म जो है आपके नाइन्थ में भी यूज किया है बट आपने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट जो है एक्चुअली क्या है, प्रोडक्ट हियर, प्रोडक्ट इज अ बायोमोलिक्यूल्स। आपको मैं यहाँ पे आपके सामने मेंशन कर रहा हूँ, हियर प्रोडक्ट इज अ बायोमोलिक्यूल्स एंड बायोमोलिक्यूल्स क्लासिफाई इन डिफरेंट कैटेगरी, इन डिफरेंट कैटेगरी, ठीक है। आप जब बायोमोलिक्यूल्स का एग्जांपल्स देखेंगे
तो सारे एग्जांपल्स आपको ऑलरेडी नोन है, आपको ऑलरेडी नोन है, इसमें आपके लिए नया कुछ नहीं है, बट आपको नेम बताने के बाद आपको ये चीज समझ में आएगा कि ये बायोमोलिक्यूल्स है क्या। तो मैं बता रहा हूं बायोमोलिक्यूल्स का फर्स्ट एग्जांपल आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, देन न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड मीन्स डीएनए एंड आरएनए, देन आफ्टर प्रोटीन, देन आफ्टर फैट एंड सम अदर मॉलिक्यूल्स ऑल्सो, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स। तो अब आपको शायद पता चल गया होगा कि कोई भी सेल है उसके अंदर ये प्रोडक्ट होना ही होना है, कोई सेल जो है ऐसा आपको नहीं मिलेगा जिसमें आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट आपको ना मिले, हर एक सेल में मिलेगा, वो चाहे प्लांट हो या एनिमल, कोई भी सेल हो उसमें आपको ये बायो मॉलिक्यूल्स या प्रोडक्ट ऑफ सेल्स आपको मिल रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया, आपका ओल्ड सेल थ्योरी के बारे में मैंने डिटेलिंग कर दी, मैं रिपीट कर दे रहा हूं। ओल्ड सेल थ्योरी में शेल्डन ने बताया कि जो प्लांट होते हैं वो प्लांट जो होते हैं वो प्लांट का यूनिट जो होता है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट वो क्या होता है, एक सेल होता है। और बाद में थियोडोर श्वान ने 1839 में बताया कि एनिमल का जो यूनिट होता है वो एक एनिमल सेल होता है, और एनिमल सेल्स जो है उसकी एक बाउंड्री होती है जिस बाउंड्री को आप नॉर्मली क्या बोलते हैं, थिन आउटर लेयर बोलेंगे। और आज के डेट में नाउ अडेज दिस थिन आउटर लेयर इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ थियोडोर दैट इज कंक्लूजन, इस कंक्लूजन में आपको क्या मिलेगा कि जो भी आपका प्लांट है वो प्लांट का जो यूनिट है वो क्या है, प्लांट सेल है, और प्लांट सेल्स में आपको सेल वॉल एक बाउंड्री लेयर के फॉर्म में मिलेगा, और ये सेल वॉल क्या होता है, रिजिड होता है, हार्ड होता है, और ये रिजिडनेस और हार्डनेस जो है प्लांट सेल वॉल की स्पेशलिटी होती है, और इसीलिए हम बोलते हैं कि प्लांट में ये जो सेल वॉल है वो एक यूनिक कैरेक्टर है। और ये बात यूनिक कैरेक्टर जो वर्ड है ये स्वान ने यूज किया था। लास्ट जो पॉइंट है वो ये है कि जो भी एनिमल और प्लांट सेल्स हैं वो किससे बने हैं, डिफरेंट सेल्स से बने हैं, और सेल्स के साथ साथ वो प्रोडक्ट ऑफ सेल्स से भी बने हुए हैं। तो ये आपका ओल्ड सेल थ्योरी डिस्क्राइब हो गया, आप उसको नोट करते रहिए, मैं आपको 30 सेकेंड 1 मिनट का टाइम बीच बीच में आपको देता रहूंगा, आप नोट करते रहेंगे। नाउ नेक्स्ट सब टॉपिक इज न्यू सेल थ्योरी। न्यू सेल थ्योरी प्रपोज बाय रोडॉल्फ वर्चू, अभी कंपेयर भी करूंगा मैं, न्यू क्यों है, ओल्ड क्यों है, ये सब बताऊंगा मैं। न्यू सेल थ्योरी प्रपोज बाय रोडॉल्फ वर्चू, ये आपको लर्न करना ही होगा एनी हाउ। और रोडॉल्फ वर्चू ने क्या बताया एक्चुअली में, रोडॉल्फ वर्चू ने दो पॉइंट्स बताए, फर्स्ट पॉइंट ये है और सेकेंड पॉइंट ये है। जो फर्स्ट पॉइंट था वो ये था कि रोडॉल्फ वर्चू जो है वो ये पता था कि कोई भी न्यू सेल्स अराइज किससे होता है, अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, किससे अराइज होगा, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और इस स्टेटमेंट को लैटिन वर्ड्स में क्या बोलते हैं, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये आपको लर्न करना होगा, ये कई बार आपके नीट एग्जाम में पूछा हुआ, नीट में ये आई थिंक लास्ट 10 ईयर से 6 टाइम्स पूछा होगा ये। तो लैटिन जो वर्ड है वो क्या है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ठीक है, इसकी जो इंग्लिश वर्जन है इसका मीनिंग जो है वो क्या है, एनी न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। सेकेंड पॉइंट न्यू सेल थ्योरी, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो किससे बन रहा है, सेल से बन रहा है और प्रोडक्ट ऑफ सेल से बन रहा है, किससे बन रहा है, डिफरेंट टाइप के सेल से बन रहा है और प्रोडक्ट ऑफ सेल से बन रहा है। ये पॉइंट्स अभी आपने यहाँ पे भी पढ़ा, स्वान ने जो बताया था वही पॉइंट यहाँ रिपीट हो रहा है। ये जो दो पॉइंट्स हैं ये बताया रोडॉल्फ वर्चू ने, इन दोनों पॉइंट से जो मेन पॉइंट है आपका ये है, ये आपका मेन पॉइंट, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि
सेल्फ थ्योरी ये भी है, सेल्फ थ्योरी ये भी है, तो किसको कंसीडर करें? तो आपको मैं बता दूं, कंसीडर हमेशा नए वाले करते हैं, ओल्ड वर्जन हमेशा जो है वो न्यू वर्जन से रिप्लेस करता है। जैसे आपको मैं बताऊं कि आप 2009 में आप बेसिक मोबाइल यूज करते थे कीपैड वाले, अभी जो मोबाइल आप यूज कर रहे हैं वो क्या है, स्मार्टफोन। अगर आपको बोला जाए कि कौन बेटर है तो आप विद इन सेकेंड आप क्या बताएंगे, स्मार्टफोन, क्योंकि स्मार्टफोन की यूटिलिटी है वो ज्यादा है। सिमिलरली ये आपका क्या है, ओल्ड सेल थ्योरी को आप मान लीजिए कि कीपैड मोबाइल फोन, और न्यू सेल थ्योरी को आप मान लीजिए कि स्मार्टफोन है ये, जिसका यूटिलिटी ज्यादा है। और ऐसा तभी होता है जब आपको ओल्ड सेल थ्योरी में बहुत सारे डीमेरिट्स मिलेंगे, और डीमेरिट्स के वजह से न्यू सेल थ्योरी जो है ओल्ड को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये डीमेरिट्स क्या है, और आपको बताऊं कि एनसीईआरटी में भी ये डीमेरिट्स मेंशन नहीं है। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अदर देन एनसीईआरटी भी कुछ पॉइंट्स बताते हैं, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्डअप हो सके। ठीक है, आपके दिमाग में जो क्वेरी है, जो इश्यू डेवलप हो रहा है, उसको हम रिजॉल्व कर सके। ठीक है, तो ये रिजॉल्व यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे रिजॉल्व ऐसे होगा कि आप डीमेरिट्स के बारे में एक बार आप पढ़िए, और देन डीमेरिट्स का सोल्यूशन कौन देगा, न्यू सेल थ्योरी देगा। तो अब आपका टॉपिक होगा डीमेरिट्स ऑफ ओल्ड सेल थ्योरी, आप बोल सकते हैं, या डीमेरिट्स ऑफ सेल्डन स्वान सेल थ्योरी, इसका जो फर्स्ट जो डीमेरिट है मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं, फर्स्ट जो डीमेरिट है वो ये है कि ओल्ड सेल थ्योरी ने वायरस को जो है वो डिस्क्राइब नहीं किया था। मतलब कि अगर वायरस, अगर एग्जांपल आपको दिया जाए तो वायरस को आप डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे ओल्ड सेल थ्योरी से, क्योंकि वायरस क्या है, वायरस इज ए नॉन लिविंग थिंग। तो वायरस क्या हो गया, एक ऐसा मटेरियल हो गया जो ओल्ड सेल थ्योरी से डिस्क्राइब नहीं हो पाया। सेकेंड पॉइंट ये था कि जो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, आपको शायद पता हो कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में कुछ जो है सर्टन जो है सेल्स होते हैं जिसमें न्यूक्लियस मोर देन वन होता है, और ऐसे सेल्स को ओल्ड सेल थ्योरी डिस्क्राइब नहीं कर पाए, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स को ओल्ड सेल थ्योरी डिस्क्राइब नहीं कर पाए। एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं मल्टी न्यूक्लिएटेड का, आपके स्केलेटन मसल्स हैं, ठीक है, स्केलेटन मसल्स एक्चुअली क्या है, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स। कुछ फंगस भी हैं, उस फंगस में भी न्यूक्लियस जो होता है वो मोर देन वन आर टू होते हैं। तो ऐसे जो भी सेल्स थे उनको जो है ओल्ड सेल थ्योरी ने डिस्क्राइब नहीं किया, तो ये क्या है, डीमेरिट। ठीक है, देन आफ्टर आपको बता दूं कि कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जिसमें सेल ऑर्गेनस मैच्योर होने के बाद डीजनरेट कर जाते हैं, कुछ सेल्स ऐसे भी हैं, सर्टन सेल्स आफ्टर मैच्योरेशन डीजनरेट ओन सेल ऑर्गेनस, मतलब अपने जो सेल ऑर्गेनस है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड या अदर जो ऑर्गेनस है वो उनके डीजनरेट कर जाते हैं मैच्योर होने पर। एग्जाम्पल क्या है आपका, आरबीसी है, आरबीसी जब मेमेलियन मैच्योर आरबीसी जो होते हैं उनके अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनल्स नहीं होता है, लैक होते हैं इसमें सेल ऑर्गेनल्स। देन आफ्टर आपका एक होता है सीप ट्यूब सेल्स, इसमें भी आपको कोई भी आपको सेल ऑर्गेनल्स नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपको पॉइंट्स मिलेंगे जहां पे ओल्ड सेल थ्योरी, एक पॉइंट आपका ये भी है कि ओल्ड सेल थ्योरी डिड नॉट डिस्क्राइब न्यू सेल्स जो है वो कैसे अराइज कर रहे हैं ये भी नहीं बताया। ठीक है, मेरी बात को समझ रहे होंगे आप,
ये जो ओल्ड सेल थ्योरी है वो ओल्ड सेल थ्योरी ने इस पॉइंट को, इस फैक्ट को भी डिस्क्राइब नहीं कर पाया, मतलब कि कोई भी जो नया सेल है वो कैसे अराइज कर रहा है इस पॉइंट को भी ओल्ड सेल थ्योरी ने डिस्क्राइब नहीं किया। तो ये आपका हो गया क्या, डिमेरिट्स ऑफ ओल्ड सेल थ्योरी। ठीक है, तो इसके बाद जो है आपको मैं बताऊंगा सेल्स के डिफरेंट पार्ट्स बताऊंगा आपको, ठीक है, और सेल के डिफरेंट पार्ट के अकॉर्डिंग आपका डिस्कशन जो मोड है वो चेंज हो जाएगा। तो मैंने अभी जस्ट बताया कि जो नया टॉपिक है उससे आपका मोड चेंज हो जाएगा, मोड मोड आपका जो पढ़ने का मोड है वो चेंज हो जाएगा। इसलिए क्यों, क्योंकि ये जो चीजें हैं, अब ये जो चीजें आपको दिख रही हैं, ये सारी चीजें आपको आपने नाइन्थ में पढ़ा है, क्लास जूनियर सेट क्लासेस में आपने पढ़ा है, तो थोड़ा आप कंफर्ट फील करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को पढ़ते हैं। ये टॉपिक आपका क्या है, सेल के पार्ट्स, एक्चुअली में क्या है, सेल के पार्ट्स है और उस पार्ट्स का पूरा मैंने फ्लो चार्ट बना रखा है। बट ये जो सेल है, जो मैंने सेल लिया है वो क्या है, विदाउट सेल वॉल वाले सेल नहीं, आप चाहो तो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं विदाउट सेल वॉल, मतलब मैंने जो एग्जाम्पल लिया है सेल का वो विदाउट सेल वॉल, दैट मीन्स कि मैंने एनिमल के अकॉर्डिंग इसको बना रखा है। आप अगर सपोज कर लेंगे कि प्लांट सेल है या एल्गल सेल है या फंगल सेल है, तो उसके अकॉर्डिंग एक दो पॉइंट्स एक्स्ट्रा हो जाएंगे, एक दो पॉइंट्स एक्स्ट्रा हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ आपका एक हो जाएगा सेल वॉल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सेल वॉल, इफ इफ सेल वॉल प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर सेल्स तब ऐसा होगा, अदरवाइज आप सेल वॉल मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं मेन टॉपिक पे कि जो सेल है उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो सेल के अंदर सबसे पहले तो मैं बता दूं सेल का जो बाउंड्री वॉल होता है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो क्या है सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। ये काफी अच्छा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस पे फुल मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और ये सेल मेम्ब्रेन जो क्या होता है, सेलेक्टिवली आर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, सेलेक्टिवली आर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली आर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंड इट इज कंपोज्ड बाय फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन एंड सम अदर आल्सो अदर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब इसके बाद आपका जो सेकेंड पार्ट है, आप जब किसी भी सेल का सेल मेम्ब्रेन आपने रिमूव कर दिया तो रेस्ट जो पार्ट है वो क्या है आपका प्रोटोप्लास्ट। और प्रोटोप्लाज्म में मैं बताऊं आपको, प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट टू पार्ट, वन इज साइटोप्लाज्म एंड सेकेंड इज ए न्यूक्लियस। आप फ्लो चार्ट में देखो आपका फर्स्ट पार्ट प्रोटोप्लाज्म का क्या है साइटोप्लाज्म एंड सेकेंड पार्ट क्या है न्यूक्लियस, ये दो पार्ट है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, फिर आप देखिए साइटोप्लाज्म के भी फर्दर दो पार्ट है आपके, एक है आपका सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, और दूसरा क्या है आपका ड्यूटोप्लाज्मिक पार्ट है आपका। ठीक है, ये ड्यूटोप्लाज्मिक पार्ट एक्चुअली कहाँ होता है, साइटोसॉल्स में प्रेजेंट होते हैं, साइटोसॉल्स में ये प्रेजेंट होते हैं। और साइटोसॉल और साइटोप्लाज्म में आपको प्रॉब्लम होती है, जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं इलेवेंथ में उनको प्रॉब्लम ये क्या डिफरेंस है, ठीक है, क्या डिफरेंस है आपको। सिमिलरली आपको साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस तो क्लियर हो गया कि जब आप न्यूक्लियस को रिमूव कर देंगे प्रोटोप्लाज्म से तो रेस्ट जो पार्ट होगा वो क्या होगा साइटोप्लाज्म होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट जब आप साइटोसॉल और साइटोप्लाज्म को कंपेयर करेंगे तो डाउट्स आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, कैसे बढ़ेगा, क्योंकि दोनों को जो नेम है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है और बहुत सारे बुक्स में क्या क्या है इसको सेम तरीके से यूज किया है, तो इससे कंफ्यूजन आपका बढ़ जाता है। ठीक है, मैं वैसे क्लियर कर रहा हूं। साइटोप्लाज्म जो है वो एक्चुअली क्या है कि सेल मेम्ब्रेन को हटा दिया मैंने और न्यूक्लियस को हटा दिया, दो चीजों को मैंने माइनस कर दिया, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, तो रेस्ट जो पार्ट है वो क्या होगा साइटोप्लाज्म, क्या होगा वो साइटोप्लाज्म। उसके बाद मैंने क्या किया कि सेल ऑर्गेनल्स को भी हटा दिया और ये सारे मॉलिक्यूल्स को हटा दिया। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स को हटा दिया
और इन मॉलिक्यूल्स को हटा दिया तो रेस्ट जो पार्ट होगा वो क्या होगा, साइटोसॉल। साइटोसॉल मीन्स की ओनली फ्लूइड एनवायरमेंट्स, ओनली सेमी सॉलिड फ्लूइड एनवायरमेंट्स, मतलब कि सिर्फ उसमें सोल्यूशन जैसा कुछ होगा, ठीक है। और रेस्ट जो है चीजें हैं वो क्या कर दिया आपने, उसमें से रिमूव कर दिया, ठीक है, लाइक सेल ऑर्गेनल्स रिमूव कर दिया या पिगमेंट्स रिमूव कर दिया, तो जो बचा हुआ पार्ट होगा वो क्या होगा एक्चुअली में, साइटोसॉल होगा, ठीक है। ये जो चार्ट है आपका हमेशा आपको काम आएगा, इससे आई थिंक जो है कम से कम इससे 6 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इससे बनते हैं, जैसे कि आपका प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में आपके क्वेश्चन बन जाएगा, आपका साइटोसॉल और साइटोप्लाज्म में क्वेश्चन बन जाएगा आपका, देन आपका सेल ऑर्गेनल्स में जो है ये जो डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल्स मैंने क्लासिफाई किए हैं, लाइक सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स और नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स, मतलब कि वो सेल ऑर्गेनल्स जिसमें सिंगल मेम्ब्रेन है, वो सेल ऑर्गेनल्स जिसमें डबल मेम्ब्रेन है, और वो सेल ऑर्गेनल्स जिसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है, विदाउट मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स जो है वो क्या है, उनकी लिस्ट मैंने मेंशन कर रखा है रेड मार्कर से। नॉन मेम्ब्रेनस में राइबोसोम्स, सेंट्रियोल्स, बेसल बॉडी, माइक्रोट्यूबुल्स, माइक्रोफिलामेंट्स। डबल मेम्ब्रेनस में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। देन आफ्टर आपका सिंगल मेम्ब्रेनस में आपका क्या है, गॉल्जी अपैरेटस और गॉल्जी बॉडी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आर ई आर बोल सकते हैं इसको, देन एस ई आर मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन आफ्टर लाइसोसोम्स, देन आफ्टर वैक्यूल्स एंड लास्ट इज पैरोक्सिसोम्स। आपका लास्ट टॉपिक आपके चैप्टर का मिलेगा पैरोक्सिसोम्स। तो ये क्या है, एग्जाम्पल्स है सेल ऑर्गेनल्स के एग्जाम्पल्स, ठीक है। और ये सारे के सारे जो है मैं बताऊं मेटाबॉलिकली एक्टिव पार्ट है सेल का, ऑल दीज कंपोनेंट्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव। मेटाबॉलिकली एक्टिव मतलब यहाँ पे बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, बहुत सारे रिएक्शंस होंगे, बट ये जो आपको मिल रहा है ये सारे क्या होंगे, ये इनएक्टिव पार्ट्स होंगे, ये सारे क्या होंगे, साइटोप्लाज्म का इनएक्टिव पार्ट होगा, ठीक है। ये आपका फ्लो चार्ट हो गया पार्ट ऑफ सेल्स का, इसको अच्छे से लर्न करिएगा। मैं कभी भी इसको क्लासेस जैसे ही ओपन होंगे आपके, मैं कभी भी इस फ्लो चार्ट को आपसे बनवा सकता हूँ, ठीक है। फिर से एक बार और बात बोलूं मैं आपसे कि आपको जो भी डाउट हो रहा हो तो वो डाउट आप व्हाट्सएप पे पूछे, मेरे इंडिविजुअल व्हाट्सएप पे पूछे, मैं हर एक डाउट का आपको जो है टेक्स्ट में प्लस एज वेल एज मैं वॉइस रिकॉर्ड करके आपको उसका आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही हम फिनिश करते हैं, आगे के लेक्चर में हम आपको डिटेल और भी चीजें बताएंगे, अभी हर एक पार्ट के पे हम डिस्कशन करेंगे, तो तब तक आप वेट करिए, कुछ पढ़िए, कुछ नोट्स बनाइए, ठीक है, और मेरे से क्वेश्चन पूछिए, बी फ्रैंकली, ओके, बाय, गुड नाइट।